फार्मासिस्ट होने के बावजूद पहले नर्सिंग ऑफिसर को तो अब MPHW को दिया गया फोकल पॉइंट का चार्ज। कर्मचारियों को लेकर खड़े हो रहे सवाल। कर्मचारियों के आपसी खींचतान से मरीज परेशान है। NM और CHO के विरोध के बावजूद अब तक नहीं हुई कोई भी कार्रवाई। बड़वानी जिले का सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पलसूद आए दिन किसी न किसी मामले में सुर्खियों में रहता है, कभी इलाज को लेकर तो कभी गोली दवाई न मिलने को लेकर। अस्पताल की शिकायतें सामने आती रही है। अब अस्पताल के फोकल पॉइंट को लेकर सवाल खड़े हो रहे। दरअसल सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पलसूद में हाल ही में फोकल पॉइंट का चार्ज नर्सिंग ऑफिसर रीना सोलंकी से लेकर जलखेड़ा की उप स्वास्थ्य केंद्र में कार्यरत MPHW कैलाश सूलिया को दिया, जबकि पलसूद अस्पताल में फार्मासिस्ट पदस्थ होने के साथ ही दो सपोर्टिंग स्टाफ भी तैनात है। बावजूद इसके नर्सिंग ऑफिसर से चार्ज लेकर फार्मासिस्ट की बजाय MPHW को इसका चार्ज दिया है। अब इसे लेकर कई तरह के सवाल खड़े हो रहे। सबसे बड़ा सवाल यही है कि जब नर्सिंग ऑफिसर रीना सोलंकी पिछले लंबे समय से फोकल पॉइंट का चार्ज संभाल रही थी, तो एन वक्त पर अचानक ऐसी क्या समस्या आ गई कि रीना सोलंकी से इसका चार्ज वापस लेकर उप स्वास्थ्य केंद्र में कार्यरत MPHW को इसका चार्ज दिया गया, जबकि फार्मासिस्ट के पदस्थ रहने पर सबसे पहले यह चार्ज फार्मासिस्ट को दिया जाना चाहिए था, लेकिन स्वास्थ्य विभाग के आला अधिकारियों द्वारा इसे नजरअंदाज कर MPHW को इसका चार्ज दिया गया। इंदौर संभाग से अमसद मंसूरी की रिपोर्ट। गया था 9 तारीख को CHMO मैडम और BMO सर को कैलाश सूलिया MPW को फोकल पॉइंट का चार्ज नहीं दिया जाए, इस संबंध में हमने वो लेटर दिया था। क्यों नहीं दिया जाए, क्या ये सर उनको इसलिए नहीं दिया जाए कि वो हमारे साथ अभद्र व्यवहार करते हैं और मोबाइल पर टिप्पणियां करते हैं, फिर व्हाट्सएप ग्रुप पे मैसेज करते हैं, जब सब देख लेते हैं फिर वो डिलीट कर देते हैं। क्या मांगे आप लोग? हमारी ये मांग है कि मतलब हम किसी को भी प्रभारी बना जाए पर कैलाश सूलिया सर MPW को नहीं दिया जाए चार्ज। द्वारा पूर्व में भी BMO को शिकायत की गई थी क्या कैलाश सूलिया की? हाँ, हमारे द्वारा पहले भी हमारे जो पहले प्रभारी थे सर उनको भी बोला गया था और BMO साहब को भी चार्ज के बारे BMO साहब को भी बोला गया था कि इनको चार्ज नहीं दिया जाए, ये बार बार मतलब अभद्र व्यवहार करते हो और गलत गलत व्हाट्सएप पर टिप्पणियां करते, इसलिए हमने सिसोदिया सर को भी शिकायत करी थी इस बारे में। उच्च अधिकारी को शिकायत करी हो? जी, आप उच्च अधिकारी को भी शिकायत की थी, आवेदन दिया? हाँ, आवेदन दिया था 9 तारीख को जी। अभी तक कोई संतुष्ट जवाब आया कि नहीं? नहीं, अभी तक कोई संतुष्ट जवाब नहीं आया सर। क्या नाम? मेरा नाम श्रीमती संतोष राठौड़े। कहाँ पे? प्रॉपर पलसूद में हूँ। कितनी जनसंख्या है? मेरी 12 से 13 हजार के लगभग है। क्या समस्या? मैं अकेली सिस्टर सविदा पे हूँ, यहाँ दो नियमित सिस्टर की जगह है पर फिर भी मैं अकेली कर रही हूँ और यहाँ पे काम बहुत ज्यादा है, मैं टीकाकरण के संबंध में बहुत परेशान हो रहती हूँ। उच्च अधिकारी को आपने शिकायत की? हाँ, बताया था उनको। क्या बोले? वो कुछ जवाब ही नहीं देते हैं। मैडम, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पलसूद में फोकल पॉइंट चार्ज फार्मासिस्ट के बजाय MPW को दिया रखा है, तो क्या है पूरा मामला? कुछ NM ने शिकायत भी करी थी उस संबंध में। वैसे देखा जाए तो फोकल पॉइंट का जो चार्ज है वो फार्मासिस्ट को दिया जा सकता है, गाइडलाइन में भी फार्मासिस्ट है और MPW को भी दिया जा सकता है। ये वो पलसूद की ये समस्या है कि वहाँ पे एक ही फार्मासिस्ट है और उसके पास वर्कलोड ज़्यादा है, तो जो MPW फील्ड वाला था पूर्व में भी वो फोकल पॉइंट का चार्ज उसके पास था और वो ट्रेंड है, ऑलरेडी जो ट्रेंड रहता है उसको दिया जाता है, तो बस इसी वजह से दिया, बाकी ऐसा कुछ हुआ नहीं है। और NM ने जो कंप्लेन करी है वो जाँच का विषय है तो मैं इसकी जाँच करवा रही हूँ। अच्छा, MPW को जो फोकल पॉइंट का चार्ज जो देना था वो दिया नहीं गया MPW? नहीं, मेरे सामने उसी समय दिलवाया गया इसका। MPW को जो फोकल पॉइंट का चार्ज नहीं दिया गया मैडम, क्या चार्ज दिया गया? कब दिया मैडम? बीच में फील्ड में गई थी 15 दिन पहले। मैडम, दूसरे जगह जो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र या सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है वहाँ पर भी इस प्रकार की व्यवस्था है? नहीं, इस तरह से मतलब व्यवस्था सभी दूर मेंटेन है। जहाँ पे दो फार्मासिस्ट हैं वहाँ पे एक फार्मासिस्ट को हमने फोकल पॉइंट का चार्ज दिया। वहाँ पलसू में कितने फार्मासिस्ट का पद है? फार्मासिस्ट एक ही का पसंद करते हैं, फल भी कर रहे हैं। हाँ, एक ही।